पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे जारी होने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को इंडिया गठबंधन के सभी विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई थी। यह बैठक विपक्ष के नेता कक्ष में हुई। संसद के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस पार्टी की संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी संसद भवन पहुंची। बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन दो बिल पास किया गया, जिसमें राज्यसभा ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा का निलंबन समाप्त करने का फैसला किया है।